हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल रिव्यू। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू चेंज द फोल्डर आइकॉन इन विंडोज 10। ओके, तो वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है बिकॉज ये बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत ही ईजी है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं डेस्कटॉप ओपन करता हूँ मेरा अभी। तो ये डेस्कटॉप मेरा ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने नया फोल्डर बनाया है, इसको नाम देता हूँ सैंपल, ठीक है। तो अभी ये फोल्डर, ब्लैंक फोल्डर मैंने एक बना दिया है डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, ये फोल्डर के ऊपर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है। और फिर प्रॉपर्टीज में आपको सबसे लास्ट जो टैब दिख रहा है कस्टमाइज का, यहाँ पे तो कस्टमाइज पे क्लिक करके सबसे नीचे आपको चेंज आइकॉन दिखेगा ऑप्शन, यहाँ पे फोल्डर आइकॉन्स में चेंज आइकॉन। ओके, ये जो दिख रहा है चेंज आइकॉन, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। तो ये एक फोल्डर ऐसा ओपन होगा, चेंज आइकॉन फॉर सैंपल फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कोई भी सैंपल आपको यहाँ से इमेज उठा के वहां पे लगा देना है। सपोज अभी मैं क्या करता हूँ, ये एक स्टार का इमेज सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे ओके कर दिया और अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फोल्डर का आइकॉन चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको मुझे फिर से नॉर्मल फॉर्मेट में लाना है तो फिर से मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज अगेन कस्टमाइज चेंज आइकॉन एंड रिस्टोर डिफॉल्ट, रिस्टोर डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करनी है, फिर से अप्लाई एंड ओके। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा फोल्डर जैसे था पहले वैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बस 2 मिनट की ये बात है, आप कर सकते हो आपके पीसी में। अगर कुछ भी इशू आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों यही बने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।